Hello students, I'm Sonika Rumba and today I'm here to teach you SST of class 1. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है our neighborhood. ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? our neighborhood, यानी कि ये जो भी हमारा पड़ोसी है ना, उनके बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे. और ये जो है हमारा लेसन 9 का है. क्या है? लेसन 9 है हमारा SST का क्लास 1 का. ओके, तो आज का कंटेंट जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार के है, दैट इज आवर नेबरहुड एंड डिफरेंट प्लेसेस इन नेबरहुड. यानी कि ये जो हम जो पड़ोसी जो है हमारा है ना, उनके ही बारे में आज हमारे हम ये इस क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, और हमारा हम जो भी सोसाइटी में रहते हैं है ना, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस तो होता ही है ना. सिर्फ वहाँ पर एक घर या दो घर या तीन घर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होता है. और ये जो हमारा ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस क्या है ना, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का नाम क्या है, वो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, सो our neighborhood. The people, places and things around our house makes our neighborhood. So neighborhood क्या क्या है? neighborhood क्या क्या चीज से बनता है? यानी कि different people जो हमारे आसपास में रहते हैं है ना, different different peoples का घर होता है और different different places यानी कि different different जगह हमारे घर के आसपास होता है और different different चीज जो है वो हमारे घर के आसपास देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं neighborhood. ठीक है, जैसे कि हमारे सोसाइटी के आसपास एक पार्क होता है या फिर हॉस्पिटल्स होता है या फिर पोस्ट ऑफिस या मंदिर है ना, ये सब हम बोलते हैं एज अ होल, कुल मिला के हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड बोलते हैं. ठीक है, सो आफ्टर दिस नेबर्स. तो नेबर्स क्या है? तो अगर नेबरहुड सब हमारे प्लेस में जो कोई भी है उन सब को हम मिला के बताते हैं, जो कोई भी इंसान है उसमें एज अ होल मिला के बताते हैं, तो नेबर्स क्या है? ठीक है, वॉट इज नेबर्स? People who live near our house are called our neighbors. तो neighborhood हम as a whole places and people को मिला के बताते हैं. पर neighbors जो है सिर्फ इंसान जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी जो है उनको हम क्या बोलते हैं? neighbors बोलते हैं. ठीक है, यानी कि हमारे पड़ोस में different different people जो होता है और सबके पड़ोसी तो होता ही है ना, और हमें हमेशा हमारे पड़ोसी के साथ मिलजुल के अच्छे तरीके से रहना चाहिए. कभी भी हमें पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द टाइम ऑफ नीड्स यानी कि जब भी हमें कोई भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो पड़ोसी आके हमारा हेल्प करते हैं ना. तो इसलिए वी ऑल शुड लव आवर नेबर्स, और हमें कभी भी अपने नेबर्स के साथ फाइट नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो नेबर्स क्या है? जो हमारे पड़ोसी जो होता है, जो इंसान, सिर्फ वही आता है नेबर्स में. पर जब हम नेबरहुड के बारे में बात करते हैं तो नेबरहुड में ये जो डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट घर जो होता है हमारे आसपास में है ना, सोसाइटी के आसपास में, वो है हमारा नेबरहुड. सो नाउ डिफरेंट प्लेसेस इन द नेबरहुड. तो हमारा डिफरेंट प्लेसेस जो हमारा नेबरहुड में जो है वो है हमारा मार्केट, हॉस्पिटल, पार्क्स, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल एंड बैंक. तो ये जो है सर्टेन प्लेसेस जो है जो हमें हमारा नेबरहुड में देखने को मिलता है. और ये जो प्लेसेस जो है मार्केट्स, हॉस्पिटल, पार्क्स जो है ना, ये अलग अलग है. जैसे कि हॉस्पिटल, मार्केट जो है हॉस्पिटल से बहुत डिफरेंट है एंड हॉस्पिटल जो है पार्क से डिफरेंट है. तो हर एक प्लेस डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है ना, इसका इम्पोर्टेंस ये अलग अलग है. ठीक है, तो इसके ही ये जो डिफरेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड ये जो है ना, इसके ही बारे में आज हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है हमारा मार्केट, MARKET, मार्केट. मार्केट सबको पता है, मार्केट है ना. तो मार्केट जो है सबको मार्केट जाना बहुत पसंद है ना, स्पेशली बच्चे लोग को मार्केट जाना बहुत पसंद है अपने मम्मी के साथ. पर मार्केट क्या है? मार्केट जो है एक वन ऑफ द प्लेस है हमारे पड़ोस में. ठीक है, एक वन ऑफ द प्लेस यानी कि जब भी हमारा सब्जी खरीदना है या फिर हमें मीट खरीदना है या फिर फ्रूट्स खरीदना है या फिर हमारे घर पर जो बेसिक नीड्स हो रहा है जैसे कि चावल, आटा कुछ ख़त्म हो गए है ना, या तेल या फिर जो कोई भी हमें घर पर चाहिए, तो सब खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? मार्केट जाते हैं. सो वी गो टू द मार्केट टू बाई थिंग्स ऑफ डेली नीड. तो हम कहाँ पर जाते हैं? हम मार्केट में जाते हैं.
अगर आप लोग का बुक्स पेन पेंसिल या कॉपीज ख़त्म हो गए हैं या है ना, या फिर आपको न्यू कपड़े खरीदना है, तो हम कहाँ पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट में ढेर सारा चीज़ जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और हमें जो भी खरीदना है तो हम सिर्फ मार्केट ही जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज मार्केट। सो नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल HOSPITAL हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। तो हॉस्पिटल जो है, जब भी कोई बीमार हो जाते हैं ना, सब लोग कहाँ पर जाते हैं, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में कौन होता है, हमारा डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और डॉक्टर जो है हमें देखते हैं अच्छी तरीके से कि हमें क्या क्या बीमारी हुआ है ना, और उसके ही हिसाब से हम सब लोग को डॉक्टर्स जो है दवाई देते हैं, और वही दवाई खाने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल सब लोग गए हैं हॉस्पिटल, है ना, कोई ऐसा नहीं कि अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया है, क्योंकि सब लोग बीमार होता ही एक बार तो, है ना। तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हम जब भी हम बीमार हो जाते हैं या फिर बहुत घाव हो जाते हैं, तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल जो है वो हमारे नेबरहुड में ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज पार्क। पार्क PARK पार्क। पार्क पार्क तो बहुत पसंद है सबको खेलने के लिए, है ना, स्पेशली चिल्ड्रेन को पार्क बहुत पसंद है। एंड पार्क क्या है, वॉट इज पार्क। तो यहाँ पर आप लोग पार्क का इमेज देख सकते हो, है ना। तो पार्क क्या है, चिल्ड्रेन गो टू द पार्क टू प्ले एंड सम पीपल गो टू द पार्क फॉर अ वॉक और टू एक्सरसाइज। तो पार्क में क्या करते हैं, जो कि चिल्ड्रेन जो होता है ना, वहाँ पर पार्क में झूला होता है, सी सॉ होता है, स्लाइड्स होता है खेलने के लिए, है ना। तो सब लोग, यानी कि संडे जब छुट्टी हो जाता है स्कूल का एज अ होल, हफ्ते भर स्कूल जाने के बाद संडे जब छुट्टी होता है, तो सब बच्चे लोग को, यानी कि चिल्ड्रेंस को पार्क जाना बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए सब लोग कहाँ पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, है ना। पर खेलने के अलावा पार्क का और एक काम भी है, यानी कि ये जो हमारे सोसाइटी में जो कोई भी बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, है ना, या फिर किसी को हेल्दी रहना है, तो सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, एंड मॉर्निंग वॉक जो है बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। अगर हम मॉर्निंग आवर्स में वॉक के लिए चलते हैं या फिर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो सुबह सुबह पार्क में जाके करना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि पार्क में बहुत फ्रेश एयर मिलता है ना, चारों तरफ हरियाली होता है ना। तो इसीलिए हमें वॉक करना है या फिर एक्सरसाइज करना है, तो सब लोग सुबह सुबह सिर्फ पार्क में ही होता है, यानी कि कुल मिला के सोसाइटी का लोग जो भी होता है ना एज अ होल, सब लोग पार्क में ही होता है सुबह सुबह, ठीक है। पर बड़े लोग के साथ साथ बच्चे लोग भी होते हैं खेलने के लिए, है ना। और संडे तो बहुत, संडे के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है पार्क में बच्चे लोग, क्योंकि संडे को दिन स्कूल छुट्टी होता है ना, इसीलिए। सो पार्क इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस इन आवर नेबरहुड। सो नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस क्या है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, व्हाट इज पोस्ट ऑफिस, POSTOFFICE पोस्ट ऑफिस। वी कैन सेंड लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो पोस्ट ऑफिस में अगर हमें लेटर भेजना है अपने मम्मी पापा को या फिर अपने दोस्त को, है ना, हम पोस्ट ऑफिस से लेटर भेज सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स भेजते हैं, ठीक है। और लेटर्स के अलावा अगर हमें किसी को भी सामान भेजना है ना, या फिर किसी को आपको गिफ्ट करना है, है ना, या फिर कोई भी सामान इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो छूट गया है, और अगर आपको वहाँ पर भेजना है पर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो, है ना, तो आप लोग पोस्ट ऑफिस से आप लोग पार्सल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जो है आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, जो जो बहुत जल्दी से होता है, और दूसरा होता है नॉर्मल पोस्ट, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो भी आप लेटर्स एंड सामान जो आप पोस्ट करते हैं वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस में पहुँच जाते हैं, या कभी कभी डॉक्यूमेंट्स और या फिर लेटर्स, ठीक है। सो दिस इज आवर पोस्ट ऑफिस। तो अभी हम देख रहे हैं ना डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, जो हमारे नेबरहुड में देखने को मिलता है हमें। तो डिफरेंट प्लेसेस जो है ना, वैसे ही नाम नहीं रखा है कि इसका नाम पोस्ट ऑफिस है, इसका नाम हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट इंपॉर्टेंस है इसीलिए, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल, यानी कि जो मरीज जाते हैं वहाँ पर, जब यहाँ बीमार हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, है ना।
यानी कि पार्क में हम खेलने के लिए जाते हैं, और हमारे सोसाइटी में बड़े बड़े लोग जो है वो सब लोग वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, है ना, एंड मॉर्निंग वॉक करने के लिए। एंड आफ्टर दैट जब हम पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करते हैं, तो अगर हमें किसी को लेटर भेजना है या फिर पार्सल, तो हम कहाँ पर जाते हैं? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सो दिस आर अवर सर्टन प्लेस विच आर फाउंड इन अवर नेबरहुड। सो नाउ नेक्स्ट वन इज विल टॉक अबाउट द स्कूल। स्कूल को, स्कूल तो सबको पता है ना, क्योंकि सब लोग स्कूल आते हो, है ना। तो स्कूल, सो वी गो टू द स्कूल टू लर्न एंड प्ले। तो ये रहा स्कूल। सब लोग अभी तो सुबह सुबह रेडी होकर सब लोग स्कूल आते ही हो, है ना। तो स्कूल हम क्या करने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते। सबसे पहले तो हम स्कूल क्या करने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। और उसके बाद डिफरेंट, पढ़ने के अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो है जो हमें पता नहीं है, है ना, वो सब सीखने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जो होता है, यानी कि फुटबॉल एंड बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल, ये जो है ना, जो हमें खेलना नहीं आता है, तो वो भी तो हम स्कूल जाके तो सीखते हैं, क्योंकि इसका भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। और ये सब जो है गेम्स जो है वो हमें गेम्स पीरियड में सिखाया जाता है ना। सो हम स्कूल क्या करने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो है यानी गेम्स जो है वो सब सीखने के लिए। और पढ़ने के अलावा, पढ़ने के अलावा हमें हमें साइड बाई साइड खेलना भी तो चाहिए ना, तो इसलिए ये सब हम करने के लिए स्कूल जाते हैं। ठीक है, बट क्या है यानी कि जब हम बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें पढ़ने के साथ साथ खेलने में भी दोनों में संतुलन बनाना चाहिए। जैसे कि जब आप लोग पहली बार स्कूल आए थे, तो आप लोग को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, है ना, किसी को भी कुछ नहीं आता था। किस तरीके से रीडिंग करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये किसी को भी कुछ नहीं आता था। पर क्या हुआ, आप लोग धीरे धीरे रेगुलरली अब स्कूल आने लगे, और अभी आप लोग क्लास वन पहुंच गए हैं, है ना। तो ढेर सारा चीज़ जो है अभी आप लोग ने सीख लिया है, जैसे कि किस तरीके से लिखना है, कौन से कॉपी में क्या क्या लिखना है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, है ना, और सर्टेन गेम्स जो है वो किस प्रकार से खेलना है ना, उसका रूल्स क्या है, और उसके बाद हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। ऐसा सर्टेन डिसिप्लिन जो होता है, जैसे कि हमें खाना खाने से आगे हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, और जो सर्टेन डिसिप्लिन जो होता है, जो मैनर्स जो होता है वो हम, और ये जो सर्टेन मॉरल वैल्यूज जो होता है, जैसे कि हमें बड़े लोग को अच्छे से बो करना चाहिए, है ना, और उसके बाद जब टीचर्स जो होता है या फिर जो कोई बड़े लोग जो होता है उन लोग को विश करना चाहिए, ये जो, और जो जो पुअर पीपल जो होता है, है ना, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, है ना, उन सबको हमें हेल्प करना चाहिए। तो ये सब जो मॉरल वैल्यूज जो है वो हम स्कूल में आके ही सीखते हैं। ठीक है, सो वी गो टू द स्कूल टू लर्न एंड प्ले एंड ऑल्सो टू लर्न मेनी थिंग्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट के बारे में हम बात करेंगे। रेस्टोरेंट इज अ प्लेस वेयर वी बाय एंड ईट फूड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर का खाना खाते खाते हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, और घर का खाना खाने का मन ही नहीं करता है, तो हम कहाँ पर जाते हैं? हम हमारा होल फैमिली के साथ हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, या फिर कभी कभार हमारे दोस्त के साथ हम बाहर खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो रेस्टोरेंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम खाना खाने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर खाना हमें घर में जो हम फ्री मिलता है ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पर खाना जो है वो खरीदना पड़ता है, और उसके बाद हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, और रेस्टोरेंट इज अ प्लेस वेयर वी बाय एंड ईट फूड। तो आफ्टर दैट सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल हम क्या करने के लिए जाते हैं? सिनेमा हॉल मूवी देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो टीवी में तो दिखाए जाते हैं मूवी, है ना, पर सिनेमा हॉल जो है, टीवी तो बहुत छोटा होता है ना, पर सिनेमा हॉल जो है बहुत बड़ा होता है। और जब जो कोई भी नए न्यू मूवीज जो है वो रिलीज होता है ना, तो सब देखने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? सिनेमा हॉल में ही जाते हैं, अपने दोस्त के साथ या फिर आपके मम्मी पापा के साथ। सो वी गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच मूवी। तो हम मूवी देखने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? सिनेमा हॉल में जाते हैं। और सिनेमा हॉल कुछ इस प्रकार के होता है, एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन होता है ना, और वहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस होता है बैठने के लिए, क्योंकि सिनेमा हॉल में सिर्फ एक या दो लोग मूवी देखने के लिए नहीं आते, बहुत सारा इंसान जो होता है वो डिफरेंट पीपल जो है वो मूवी देखने के लिए आते हैं ना, तो बहुत बड़ा होता है। और जब भी हम सिनेमा हॉल देखते हैं ना, वहाँ पर जो भी हमें खाना खाना है ना, वहीं पर ही पॉपकॉर्न और जो भी है ना, वहीं पर ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिनेमा।
तभी आप लोग देख रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस, यानी कि अभी सिनेमा हॉल एंड सिनेमा हॉल से थोड़ी देर पहले हमने रेस्टोरेंट एंड स्कूल किया, एंड रेस्टोरेंट एंड स्कूल का जो वर्क जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो है जो हमें हमारे पड़ोस में देखने को मिलता है उनका वर्क अलग अलग है और इनका इम्पोर्टेंस जो है वो भी अलग अलग है. सो आफ्टर सिनेमा हॉल वी विल टॉक अबाउट दी बैंक. तो बैंक यानी कि बैंक BANK बैंक. पीपल डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. तो जो यानी कि जो भी काम करते हैं, जो पैसे कमाते हैं हम लोग हमारे डेली नीड्स के लिए या फिर जब हम बीमार हो जाते हैं उस वक्त के लिए, है ना, तो ये जो हमारे नीड्स के लिए हम ये जो भी पैसे कमाते हैं तो पैसे जो हम घर पे नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होता है यानी कि चोरी हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है जो हमें पता नहीं होता है ना. तो इसलिए हम क्या करते हैं उसे डिपॉजिट करने के लिए हम बैंक जाते हैं. डिपॉजिट यानी कि रखना एंड विदड्रॉ WITHDRAW विदड्रॉ यानी कि हमें पैसा रखना और पैसा जो हम रखते हैं बैंक में अगर हमें ज़रूरत पड़ रहा है तो हम निकालते भी तो है बैंक से, है ना, यानी कि विदड्रॉ जो हम बैंक से हम पैसे निकालते हैं डिपॉजिट करने के बाद अगर हमें ज़रूरत लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं विदड्रॉ बोलते हैं. ठीक है, तो बैंक में हम क्या करते हैं पीपल डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. ठीक है, तो हम बैंक क्या करते हैं जो हम पैसे कमाते हैं ना वो हम रखने के लिए जाते हैं और जो अभी हमने पैसे रखा है ना अगर उसका उसे हमें चाहिए इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ के या फिर किसी भी कारण के लिए हमें वो पैसा चाहिए और हमें वो निकालना है बैंक से तो उसे हम क्या बोलते हैं विड्रॉ करना बोलते हैं. ठीक है, अब बैंक में तो ऐसा भी होता है कि जो गोल्ड जो होता है हमारा जो भी हम पहनते हैं सोना है जो होता है ना वो भी हम गोल्ड में हम सेफली रख सकते हैं यानी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े या फिर हमें यूज़ करना है तभी हम बैंक से निकाल सकते हैं क्योंकि ऐसा है कि जब हम बैंक में पैसे रखते हैं हम हमारा जो पैसा और जो गोल्ड जो है या फिर कभी कभार कोई तो अपना जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी का पेपर जो है ना वो सब भी बैंक में रख सकते हैं क्योंकि सेफ रहेगा. क्योंकि अगर हम घर पर रखते हैं तो क्या होगा कभी कभार कोई एक्सीडेंट होता है घर पर या फिर आग लग जाना ऐसा हो सकता है कभी कभार, है ना, या फिर कोई चोर घुस जाता है घर के अंदर तो इसलिए सेफ रखना चाहिए ना. तो इसलिए ये जो जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर पैसा है या फिर गोल्ड डायमंड जो भी हमारे प्रीसेस ज्वेलरी जो है वो सब हम बैंक में रख सकते हैं क्योंकि बैंक जो है अगर हम बैंक में रखेंगे तो सेफ रहेगा इसलिए. ठीक है, सो नेक्स्ट प्लेस इन आवर नेबरहुड इज पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन पुलिसमैन वर्क इन पुलिस स्टेशन दे कैच रॉबर्स एंड थीव्स. तो पुलिस स्टेशन में कौन होता है पुलिसमैन होता है जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होता है ना इसी तरीके से पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन होता है जो हमारे जो जब भी हमारे सोसाइटी में जो कोई भी चोर घुस जाते हैं या फिर कोई रॉबर्स जो लुटेरा जो हो या फिर कोई चोर जो हो है ना जब घुस जाते तो कौन आता है हमारी सेफ्टी के लिए पुलिसमैन. जिस तरीके से हॉस्पिटल में जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तो हमारे सेफ्टी के लिए हमें हमारा ख्याल रखना हमें देखना कौन आता है डॉक्टर्स आते हैं है ना. तो इसी तरीके से जब एक सोसाइटी में जब भी कोई लुटेरा या फिर कोई चोर घुस जाता है ना या फिर किसी का मर्डर हो जाता है ना तो कौन आता है हमारे सेफ्टी के लिए पुलिसमैन. और पुलिसमैन कहाँ पर रहता है पुलिस स्टेशन. और पुलिस स्टेशन जो है ये क्या है एक प्लेस है वन ऑफ द प्लेस इन आवर नेबरहुड. ओके, सो पुलिसमैन वर्क इन पुलिस स्टेशन दे कैच रॉबर्स एंड थीव्स. जैसे कि जब भी कोई जैसे कि आपके घर में कोई चोर घुस जाता है तो आप जल्दी जल्दी से आप लोग हॉस्पिटल्स में तो फ़ोन नहीं करते हो है ना तो कहाँ पर फ़ोन करते हो पुलिस स्टेशन में क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा हेल्थ खराब होता है तो हमें हॉस्पिटल में फ़ोन करना चाहिए यानी कि अगर हम कहीं से गिर जाते हैं या फिर कोई चोट लग जाए तो हमें एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं है ना. पुलिस को तो कोई फ़ोन नहीं करता है कि हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट डिफरेंट इम्पॉर्टेंस क्या है यानी कि जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल से यानी कि एम्बुलेंस को कॉल करते हैं या फिर अगर हमारे घर पर या फिर हमारे सोसाइटी में जब कोई चोर आ जाता है या फिर किसी का मर्डर हो जाता है या फिर कोई लुटेरा कोई भी आ जाता है तो हम सबसे पहले किसको फ़ोन करते हैं पुलिसमैन को या फिर डॉक्टर से किसी को भी हम फ़ोन नहीं करते
क्योंकि हमें पता है कि कौन हमारा सेफ्टी के लिए देखता है एंड कौन है रिस्पॉन्सिबल हमें सेफ्टी के लिए, है ना। तो इसीलिए सो पुलिस स्टेशन में कौन होता है, पुलिसमैन होता है, और पुलिसमैन वर्क इन पुलिस स्टेशन एंड दे कैच रॉबर्स एंड थीव्स। सो दिस आर दी सम प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। तो हमारे नेबरहुड में कौन कौन सा प्लेस है, मार्केट, है ना, मार्केट जहाँ पर हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, ये है हमारा मार्केट है। सब्जी के अलावा जो भी हमें घर पर चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए, है ना, या फिर बर्तन खरीदना है या फिर जो कुछ भी खरीदना है, हम कहाँ पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। मीट एंड फ्रूट्स ये सब खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, मार्केट। सो नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल, यानी कि जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हॉस्पिटल्स में कौन रहता है, डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स जो है हमारा अच्छी तरह से चेकअप करके उसके हिसाब से हमें पैसे देता है, दवाई देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट पार्क, पार्क में हम सब लोग खेलने के लिए जाते हैं, और खेलने के अलावा मॉर्निंग आवर्स में जो बड़े बड़े लोग जो होता है ना, वो सब भी वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में हम हमारा लेटर्स किसी का अपने मम्मी या पापा या अपने दोस्त को भेजना है, या फिर लेटर्स के अलावा जो कोई भी सामान है या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कहीं पर भेजना है जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, तो ये सब पोस्ट करने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। सो उसके बाद स्कूल, यानी कि आप लोग हमें से स्कूल आते हो, है ना, तो स्कूल में हम पढ़ने के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, और उसके अलावा जो डिफरेंट गेम्स जो है वो किस तरीके से खेलना चाहिए, उनका रूल्स क्या है, उन सब के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं। एंड आफ्टर दिस रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट में हम खाना खरीद के खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर का खाना खाते खाते बहुत बोर हो जाते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली हम हमारे फैमिली के साथ हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, और जहाँ पर भी हम खाना खाने के लिए जाते हैं ना, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम मूवी देखने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, सिनेमा हॉल में, ठीक है। और सिनेमा हॉल में सिर्फ एक या दो चेयर नहीं होता है, बहुत सारा होता है, क्योंकि सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए सिर्फ एक या दो लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे इंसान आते हैं ना देखने के लिए। तो सिनेमा हॉल में एक बहुत बड़ा सा पैनल जो है वहाँ पर मूवी दिखाया जाता है ना, और बहुत सारे चेयर जो होता है जहाँ पर आप लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। सो आफ्टर दैट बैंक हम क्या करते हैं, पैसे रखते हैं, यानी कि डिपॉजिट करते हैं, और जब हमारी ज़रूरत पड़ता है तो हम वो पैसे निकालते भी हैं, जिसे हम बोलते हैं विड्रॉ। सो पीपल डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। सो हमें पैसा रखना है या फिर पैसे निकालना है, या फिर हमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होता है, या फिर जो प्रॉपर्टी का पेपर जो होता है, या फिर गोल्ड जो होता है ना, ये सभी हम बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि अगर हम घर पर रखते हैं तो चोर, यानी कि चोर आके घर से सब चोरी करके ले जाने का चांसेस जो होता है, पर अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमेशा सेफ होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट पुलिस स्टेशन, यानी कि जब भी हमारे सोसाइटी में कोई भी चोर आ जाता है ना, तो जब भी चोर आ जाता है या फिर हमारे पुलिस स्टेशन, हमारे सोसाइटी में जब किसी का मर्डर हो जाता है ना, तो हम किसको याद करते हैं, हम ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन में कौन रहता है, पुलिसमैन, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेफ्टी के लिए, ठीक है। बिकॉज पुलिस स्टेशन एंड पुलिसमैन वर्क इन पुलिस स्टेशन, दे कैच रॉबर्स एंड थीव। तो ये रहा हमारा डिफरेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। तो ये जितना भी प्लेसेस जो है जहाँ हम घूमने के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो अगर हम बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं, अगर कोई भी रॉबर्स एंड थीफ जो है हमारे सोसाइटी में घुस जाता है, या फिर किसी का मर्डर हो जाते हैं, तो हम ये जो हॉस्पिटल होता है एंड सब्जी खरीदने के लिए, या फिर जो कोई भी जरूरतमंद चीज़ जो होता है वो खरीदने के लिए हम जाते हैं, वो मार्केट बोलते हैं ना। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस जो है वो हमें हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है। पर अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, सम प्लेसेस ऑफ वॉश, यानी कि पूजा करने के लिए भी सर्टेन प्लेसेस जो है हमें हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है। सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस ऑफ वॉश, यानी कि भगवान को
प्रे करने के लिए, है ना। एंड सिंस इंडिया में सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं होता है, बहुत सारा धर्म के लोग होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है वहाँ पर जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग जो है ना वो मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम एंड सिख एंड उसके क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट एंड जैन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग जो है सिर्फ हमें इंडिया में ही देखने को मिलता है, जो एक साथ एक सोसाइटी में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सोसाइटी में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहता है ऐसा नहीं है, एक सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग भी रहता है, मिलजुल के रहता है ना। पर वो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग हो पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ का, है ना, हमारे हेल्प के लिए जो हमारे पड़ोसी जो है वो हमें सही आते ही है हमारे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलग ही धर्म का है तो हम इसे हेल्प नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि पड़ोसी का काम ही है एक दूसरे को प्यार से रहना और एक दूसरे को हेल्प करना, है ना। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ वर्शिप हम बात करते हैं टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल जो है जहाँ पर हम पूजा करने के लिए जाते हैं, यानी कि जो हिंदू जाते हैं मोस्टली टेम्पल्स, है ना। और टेम्पल जो है सिर्फ हमारे सबके घर के जो भी सोसाइटी होता है, सोसाइटी में सबका टेम्पल्स होता ही है जो पूजा करने के लिए जाते हैं, है ना। और भगवान का पूजा करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। यानी कि अगर हम जब भी कोई भी शुरुआत करते हैं दिन का तो हमें भगवान का याद करके ही शुरुआत करना चाहिए, यही बताया जाता है, क्योंकि अच्छा दिन जाएगा हमारा, है ना। तो टेम्पल जो है सबसे फर्स्ट प्लेस है हिंदुओं का, है ना, जहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जो मुस्लिम जो होता है वो मस्क जाते हैं, MOSQUE मस्क। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन जो फॉलो करते हैं इंडिया में, उन लोग का प्रे करने का प्लेस भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने अभी देखा, अगर हम बीमार हो जाते हैं या फिर खेलना है या फिर पढ़ना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस जाते हैं ना, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग जो है अपने ही हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस जाते हैं। और उसके बाद मास्क, मास्क भी जो है जहाँ पर नमाज करने के लिए और मास्क में भी तो अल्लाह का प्रे करने के लिए जाते हैं, है ना, तो वो रहा मास्क। और उसके बाद जो भी सिख जो होते हैं वो सब लोग प्रे करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, गुरुद्वार, GURUDWARA, गुरुद्वार, गुरुद्वार। और सिख कहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए, गॉड को याद करने के लिए, प्रे करने के लिए, गुरुद्वार। एंड आफ्टर दैट चर्च। और जो भी क्रिश्चियन जो होता है ना, वो सब लोग कहाँ पर जाते हैं प्रे करने के लिए, चर्च जाते हैं, CHURCH, चर्च। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है, मार्केट एंड पार्क्स एंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, है ना, इसके अलावा प्रे करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है। और सब लोग अपने रिलीजन के हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में प्रे करने के लिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन आवर नेबरहुड। तो नेबरहुड में सिर्फ हमें खेलने के लिए या फिर पढ़ने के लिए प्लेसेस नहीं होता है, पूजा करने के लिए भी प्लेसेस होता है, ठीक है। तो एट दी एंड ये जो हमारा टॉपिक जो है आवर नेबरहुड, तो इससे आप लोग को पता चल ही गया हो कि हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में कौन कौन रहता है या फिर हमारे पड़ोस में कौन कौन सा प्लेसेस है, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट डिफरेंट इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रे, गॉड को प्रे करने के लिए प्लेसेस भी हमें हमारे सोसाइटी में, यानी कि हमारे नेबरहुड में देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नेबरहुड, ठीक है। तो नेबरहुड क्या है, नेबरहुड क्या है, जो हमारे पड़ोस में डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंग्स एंड घर जो हमें देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं नेबरहुड। एंड नेबर्स यानी कि जो हमारे पड़ोसी जो होता है इंसान, है ना, तो वहाँ पर आता है हमारा नेबर्स। एंड उसके बाद ये जो डिफरेंट प्लेसेस जो है वो हमें हमारे पड़ोस में देखने को मिलता है, जैसे कि मार्केट, हॉस्पिटल, पार्क्स, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल एंड बैंक। एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट डिफरेंट काम है। और जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदना है, जब भी घर पर कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है तो हम कहाँ पर जाते हैं खरीदने के लिए, मार्केट जाते हैं, है ना। तो उसके बाद अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं, हॉस्पिटल,
डॉक्टर को चेकअप कराना है तो हम कहाँ पर जाते हैं? हॉस्पिटल। और जो कभी बच्चे लोग खेलने के लिए जाते हैं या फिर मॉर्निंग आवर्स में जो हम जो एल्डर पीपल जो होता है हमारे सोसाइटी में, है ना, सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं। और हमें कोई भी लेटेस्ट पोस्ट करना है या फिर हमें किसी पार्सल सेंड करना है तो हम कहाँ पर जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में। और हमें पढ़ने के लिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सीखने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? स्कूल में। और स्कूल में हमारे नेबरहुड में ही होता है। और हमें जब घर का खाना खाने से बहुत बोर हो जाते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं? खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमें खाना जो है खरीद के खाना पड़ता है। एंड अगर हमें मूवी देखना है, अगर न्यू मूवी रिलीज़ हुआ है तो वो टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। उसे देखने के लिए हम सिनेमा हॉल में ही जाना पड़ता है। एंड सिनेमा हॉल में हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हम जा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारा प्लेसेस होता है, सिर्फ एक या दो प्लेस नहीं होता है सिनेमा हॉल में। एंड बैंक में हमें हम पैसा डिपॉजिट करना और उसे निकालने के लिए हम जाते हैं बैंक। और पुलिस स्टेशन, जहाँ पर भी अगर हमारे सोसाइटी में पुलिस चोर घुस जाता है या फिर कोई क्राइम हो जाता है तो हम किसको फ़ोन करते हैं? पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन रहता है जो हमारे सेफ्टी का देखभाल करता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये सब प्लेसेस के बाद जो हम भगवान को याद करना चाहें ना, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो होता है। और हमारे सोसाइटी में ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो है टेम्पल, मास्क, गुरुद्वार एंड चर्च, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द आवर नेबरहुड। तो आप लोग भी ये जो लेसन जो है आवर नेबरहुड वो आप लोग भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। जुड़ो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।